तो मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली थी और आप लोगों को डेस्क का कलर गेस करने को बोला था, तो ये थे आप लोगों के कमेंट्स। सो द करेक्ट आंसर इज बेसिकली। अगर मैं इसकी पैकेजिंग की बात करूं, स्पेशली जो शिपिंग हुई थी वो काफी ज्यादा एक्साइटिंग थी मेरे लिए, बिकॉज पहली बार मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट रिसीव किया था जो कि वुडन क्रेट्स के अंदर आया था। तो सबसे पहले हमें एक हथौड़े की मदद से उसको लूज करना पड़ा था और फिर हमारे पास एक कार्डबोर्ड बॉक्स आया था। प्लस ये जो पैकेज था ये ऑलमोस्ट 150 किलो का था, तो मेरी टीम में से भी 2 लोगों को जाना पड़ा था इसको लेके आने। हमें लगा कि इतनी हैवी पैकेजिंग इसलिए हुई थी कि अंदर हो सकता है प्रोटेक्शन ज्यादा ना हो, लेकिन जैसे ही हमने पैकेजिंग खोली वी रियलाइज्ड कि वहां पे भी काफी प्रोटेक्शन है, बिकॉज ये जो कंपनी है वेवबोन ये ताइवान की कंपनी है और वहां से इंपोर्ट होके डेस्क आई है। सो डेफिनेटली एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड था पैकेजिंग का एंड आई वाज रियली एक्साइटेड टू लुक इनटू इट, देखने के लिए कि अंदर प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। तो मैंने एक एक करके कैटेगरी बाय कैटेगरी सबको अरेंज कर लिया था, बिकॉज इतने सारे अलग अलग तरह के स्क्रूज थे, इतने सारे पार्ट्स थे और जो मैनुअल था वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल था, बहुत ही ज्यादा सिंपल था वहां पे चीजों को समझना। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया, यहाँ पे मुझे रियलाइज हो गया कि मुझे अपने टीम मेंबर्स को मना नहीं करना चाहिए था, बिकॉज मैंने एक्साइटमेंट में ये तो बोल दिया था कि मैं अकेले इस डेस्क को असेंबल कर लूंगा, लेकिन एक्चुअली वो एक एडवेंचर बन गया मेरे लिए, बिकॉज एक हाथ से मैं उस मेटल स्ट्रिप को पकड़ रहा हूँ जो कि काफी ज्यादा हैवी थी और एक हाथ से मैं स्क्रू को टाइट कर रहा हूँ। तो उसके बाद आई डिसाइडेड कि मैं डेस्क को सेंटर में ले आता हूँ और वहां पे जो भी बाकी जॉइंट्स थे मैंने वो जॉइंट्स फिक्स किए। तो एक इंपॉर्टेंट चीज जिसका आप लोगों को ध्यान देना है जब भी आप लोग अपनी डेस्क को असेंबल करें, कि जब भी आप कोई भी बड़ा पार्ट कनेक्ट करते हैं जिसके अंदर मान लेते हैं 4 या 6 स्क्रूज हैं, तो कभी भी एक स्क्रू को डाल के एकदम टाइट ना करें और फिर बाकी स्क्रूज को अप्रोच करें। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सब जगह स्क्रूज डाल के थोड़ा थोड़ा हाथ से घुमा दें और उसके बाद धीरे धीरे उनको टाइट करते हुए चले। तो बेसिकली अगला स्टेप था कि मेरे को डेस्क को उल्टा करना है एंड एक्चुअली मैंने मैनुअल में देखा था उन्होंने डेस्क को उल्टा किया हुआ था और वो जो रैक वाले जॉइंट्स हैं उनको फिक्स किया हुआ था, लेकिन जैसे ही वो जो वुडन पार्ट था, वो जो बड़ा वाला वुडन पीस था, उसको मैं लगाने लगा, वो लगा ही नहीं मेरे से। फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैंने मैनुअल को ढंग से देखा, तो आई रियलाइज्ड कि उन्होंने उल्टा करके इसलिए दिखाया था ताकि वो बता सके कि स्क्रूज कहां कहां लगेंगे और किस टाइप का स्क्रू लगेगा। तो फिर क्या, फिर मैंने टेबल को वापस सीधा कर दिया। तो एक कॉर्नर का स्क्रू था वो मेरे से लग नहीं रहा था, उसको मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा था और मैं लिटरली बहुत थक चुका था, पसीने छूट चुके थे। तो ये जो स्क्रू लग नहीं रहा था इसकी कहानी मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन तब तक के लिए हमारी डेस्क रेडी हो चुकी थी, जो भी वुडन पैनल्स थे उनको मैंने फिट कर दिया था। सो फाइनली जो डेस्क का साइज था वो रिवील होता गया धीरे धीरे, विच वॉज अप्रोक्सीमेटली 5 फुट बाय ऑलमोस्ट 3 फुट। सो एवरीथिंग वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीट सिवाय एक चीज के। तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा कूल लगी इस कीबोर्ड स्टैंड की, यहाँ पे आपकी जो हाइट थी वो एडजस्टेबल थी, जिस वजह से क्या हुआ मुझे एक चेयर लानी पड़ी सो दैट मैं विजुअलाइज कर पाऊँ कि किस हाइट पे मिडी मेरे लिए कंफर्टेबल होगा, किस हाइट पे मेरे को सही लगेगा। सो दैट इज वाई उसको अच्छे से हमने मेजर किया, हाइट को फिक्स किया। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने सीखा इसको असेंबल करते वक्त, एंड दैट वाज सिंपली कि मैंने पहले वो जो वुडन पार्ट है जिसके ऊपर हम लोग मिडी रखते हैं उसको उल्टा लगा दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्क्रूज हैं वो उसके अंदर नहीं जा रहे थे। एंड ये चीज मैंने डेस्क में भी देखी थी कि अगर आप लोग गलत स्क्रू ले लें या गलत पार्ट लगा लें तो आपको दिखेगा कि वो जो स्क्रू है वो टाइट ही नहीं होता है। तो एक बहुत ही ज्यादा बड़ा प्लस पॉइंट है इस डेस्क का कि इसके जो पार्ट्स हैं वो इस तरह से अलाइंड है, इस तरह से उन्होंने बनाए हैं कि उनको आप सही जगह पे लगाओगे तभी आपके जो स्क्रूज हैं वो टाइट होंगे।
और अब फाइनली डेस्क रिवील का टाइम आ चुका है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को वो गलती बता देता हूँ कि वो स्क्रू मेरे से कॉर्नर वाला क्यों नहीं लग रहा था। बिकॉज अल्टीमेटली ये सारा वीडियो शूट करने के बाद मेरे टीम मेंबर्स भी आ गए थे और हम तीनों लोगों ने मिलकर कोशिश की थी, लेकिन आधे घंटे के बाद वी रियलाइज्ड एक बहुत ही ज्यादा सिली मिस्टेक हम कर रहे थे, जिस वजह से वो स्क्रू अंदर नहीं जा रहा था, विच वॉज सिंपली कि हम लोग स्क्रू के साथ जो वॉशर आए हुए थे वो लगा रहे थे। सो दैट इज वाई जैसे हम लोगों ने वॉशर हटाया वो हमारे पास थोड़ा सा मार्जिन खुल गया, जिस वजह से वो जो कील है, वो जो नेल है, वो अंदर चला गया। तो बस एंजॉय द फाइनल लुक। सबसे पहले अगर मैं इसके डिजाइन की बात करूं तो ट्रस्ट मी इट्स रियली ब्यूटीफुल। सबसे पहला डाउट मेरे माइंड में जो था वो ये था कि क्या मैंने व्हाइट डेस्क लेके गलती तो नहीं कर दी है, लेकिन जैसे ही मैंने इस प्रोडक्ट को असेंबल किया, इसको रिसीव किया, इसके पार्ट्स की क्वालिटी देखी, तो ट्रस्ट मी वो जो मैट फिनिश थी वो एक्चुअल में मेरा दिल जीत गए। उसके बाद आप लोगों के पास एक 9 यूनिट का रैक स्पेस यहाँ पे मिलता है, लेकिन इन माई केस मैंने उसको इंस्टॉल नहीं किया बिकॉज अभी मेरा कोई प्लान नहीं है यहाँ पे हार्डवेयर इंस्टॉल करने का, लेकिन जैसे फ्यूचर में हम लोग हार्डवेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो फिर मैं उस पार्ट को लगा दूंगा। तब तक के लिए आप लोग इसको स्टोरेज स्पेस की तरह भी यूज कर सकते हैं। आपका लॉन्च पैड हो गया, लॉन्च की हो गया, बीट मशीन हो गई, या इवन आपका ऑडियो इंटरफेस हो गया, आप उसको वहां पे रख सकते हैं। तो ऑडियो इंटरफेस से याद आया, जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बेसिकली Focusrite का Claret Plus 2 प्री ऑडियो इंटरफेस है, बिकॉज Focusrite मेरी पहली कंपनी थी जिसका मैंने साउंड कार्ड लिया था, एंड आई लव द प्रीएम्प्स, दैट इज व्हाई मैंने डिसाइड किया कि एक प्रो ऑडियो इंटरफेस में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन Focusrite कंपनी का। उसके अलावा केबल्स को ऑर्गेनाइज करना बहुत ही ज्यादा आसान है बिकॉज यहाँ पे इन्होंने गैप्स दिए हुए बीच में, जिस वजह से जो आपकी मॉनिटर केबल्स हैं उनको भी आप हैसल फ्री वहां से निकाल सकते हैं। फिलहाल के लिए आप लोग देख सकते हैं मैंने अपने जो मॉनिटर्स हैं फोकल के अल्फा इवो मॉनिटर्स, इनको प्लेस किया हुआ है बिना किसी आइसोलेशन पैड के, बिना मॉनिटर स्टैंड पे, क्योंकि बेसिकली जो मॉनिटर स्टैंड्स हैं वो अभी मेरे तक पहुंचे नहीं है, वो रास्ते में है। उसके बाद हमारा जो जी शेप कीबोर्ड स्टैंड है, इसके ऊपर आप लोग 88 की तक के जो मिडी कीबोर्ड्स हैं उनको रख सकते हो। तो इस स्टैंड पे मैं रखूंगा अपने नोवेशन के लॉन्च की 61 को, तो डेफिनेटली मैं इसका एक डिटेल रिव्यू बनाऊंगा और उसमें मैं कंपेयर करूंगा इसको अपने पुराने मिडी से जो मैंने अभी तक यूज किए हैं। और सबसे मेन हाईलाइट इस डेस्क का और इस कीबोर्ड स्टैंड का ये है कि ये लोग बोलते हैं कि इनका जो डिजाइन है दैट इज एर्गोनॉमिक, और उस शब्द का सिंपली मतलब है काफी ज्यादा कंफर्टेबल, काफी ज्यादा एफिशिएंसी आना। वो कैसे? आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी आप लोग कस्टम डेस्क लेते हैं तो यूजुअली उसके जो पैर होते हैं वो सीधे होते हैं, वेयर एज ये जो जी शेप टेबल है इसमें आप लोग देख सकते हो कि आपके पैर के लिए काफी हेडरूम है, आपके पैर के लिए काफी स्पेस है। बिकॉज ये जो चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा ये मैंने ऑन कैमरा कभी नहीं बोली है, विच इज कि मेरी जो डेस्क है स्टूडियो की, जो मेरा कंट्रोल रूम है, वहां पे जो डेस्क आप लोगों ने देखी है दैट इज ऑल्सो कस्टम मेड, लेकिन जब उसका डिजाइन बन के आया था मैंने अपने रैक को प्लेस किया तो कहीं ना कहीं वो शॉर्ट पड़ रही थी। लेकिन इस डेस्क की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो मेजरमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा प्रिसाइज हैं, बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। इसलिए मैं हमारी कम्युनिटी के हर एक इंसान को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों का बजट है तो कभी ना कभी जरूर इन्वेस्ट करें इस डेस्क में। तो अगर आप लोग डिटेल में इसके स्पेक्स जानना चाहते हैं, इसकी मेजरमेंट जानना चाहते हैं, तो आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इस फोटो का। ये फोटो जो है ये मैंने इनकी वेबसाइट से ली है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है तो एक छोटा सा सरप्राइज है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग इस डेस्क में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लोग मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं राइट आर्मी, और उससे आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिलेगा इसके MRP पे। तो उसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।